नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का समय आपके लिए बेहद ही आनंददायक समय रहने वाले हैं। बेहद ही अच्छी खुशखबरी आपको अगले दो दिनों के अंदर मिलने वाले हैं। और दोस्तों, जब आप इनके बारे में बिल्कुल ही विस्तार से समझेंगे तो दोस्तों, हम आप सभी को यह चेत दावी के साथ कहते हैं, आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले दो दिनों का समय आप सभी के जीवनकाल से जो दुश्मन है उनका अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन का जिंदगी अब समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में यह शुभ घटना होकर रहेंगी। और दोस्तों, अगले दो दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जो महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको अगले दो दिनों के अंदर मिलने वाली है, दोस्तों जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय आपको अब चौतरफा लाभ देने वाला साबित होगा। एक तरफ जहां आपका शत्रुओं का विनाश होगा और दूसरी तरफ आपके लिए लाभ के दरवाजे खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों का समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण समय है। यह समय आप सभी के सोचे सपने सच होने वाले हैं, सोया हुआ किस्मत यश में जागने वाले हैं। जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है और जो ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के साथ है, दोस्तों दोनों मिलकर आपके लिए बहुत ही शुभ परिस्थिति का निर्माण करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी कारण अगले दो दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं रहेगा। यह समय आपके जीवनकाल के सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का घर और परिवार खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अगले दो दिनों का समय आपके लिए कोई आम समय नहीं है। दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए भगवान श्री राम जी का दिया हुआ वरदान है। जी दोस्तों, इस समय को बिल्कुल ही आप ना गवाएं और यशमी कुछ बातों का ध्यान रखना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही ज़्यादा खास होंगे। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि साक्षात भगवान श्री राम जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे ही। साथ ही साथ आप सभी के जीवनकाल में जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, जो भी समस्याएँ आप सभी के साथ चल रही है, उन सारी समस्याओं से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी का जीवन एक नई दिशा की ओर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक आज के इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देख लेगा, दोस्तों इस बात की गारंटी है कि उन सभी के जीवनकाल में यश में भगवान श्री राम जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन काल में खुशियों की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का भी विनाश होगा। जी दोस्तों, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति बन रही है जिनमें आप सभी के घर और परिवार में खुशियों की आंसू रहेंगे। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो शत्रु आपसे जलते थे, जो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, दोस्तों यश में वो जल जल कर खाक हो जाएंगे, उनका विनाश होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी भगवान श्री राम जी के सच्चे पीर भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि भगवान श्री राम जी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आपके जीवनकाल में खुशियां बरसे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, ताकि भगवान श्री राम जी का असीम आशीर्वाद आप सभी तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी के ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दोस्तों पिछले समय आप सभी के जीवन काल में कष्ट ही कष्ट थे, दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छा योग का निर्माण हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 48 घंटों के अंदर अब आप सभी के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। और दोस्तों, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, दोस्तों उनका विनाश आने वाले 48 घंटों के अंदर होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें। और दोस्तों, इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम आपको हर एक बात बिल्कुल ही ध्यान से समझाने वाले हैं, हर एक बात बिल्कुल ही ध्यान से बताने वाले हैं। जी दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकालकर दोस्तों आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर ग्रहों की स्थिति में चंद्रमा के जो दशम स्थान है दोस्तों वे आपके लिए बहुत ही शुभ दे रहे हैं। जी दोस्तों, वे आपके लिए शुभ फल दे रहे हैं। और दोस्तों यश में आप सभी के लिए चंद्रमा के दशम स्थान में शुभ ग्रह होने के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अमल कीर्ति योग का निर्माण होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सफल अमल कीर्ति योग का निर्माण आने वाले 48 घंटों के अंदर होने वाले हैं। और दोस्तों इस ग्रह के निर्माण होने के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सफलताओं की बाढ़ लगने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के लिए कोई भी मामूली समय नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ये समय ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, भगवान श्री राम का दिया हुआ वरदान है। जी हां दोस्तों, यश में भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में अब आपके खुशियों के दिन आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का सोया हुआ नसीब जागने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में अभी तक वो खुशियां नहीं पाई है जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और आपके साथ रहने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवनकाल में पूरे कार्य ही करते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने जीवनकाल में खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वे भले ही अपने जीवनकाल में खुश रहते हैं, वे भले ही आपसे जलते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि समय अब आपका आ चुका है। जी हां दोस्तों, जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपके अपने बनकर आपको लूटते हैं, जो लोग आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, दोस्तों अब उनका विनाश निश्चित है। कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवनकाल में जो ये अमल कीर्ति नाम का शुभ योग का निर्माण हुआ है, इनके कारण दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज़ आप सभी के जीवनकाल में होने वाली है, जो भी आपके शत्रु होंगे दोस्तों उनके लिए बहुत ही शक्तिशाली आपके लिए समय होंगे। जी हाँ दोस्तों, वे जो भी लोग होंगे उन्हें पराजित करने में आप आने वाले 48 घंटों के अंदर बिल्कुल ही सफल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटों के अंदर दोस्तों जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है दोस्तों बिल्कुल ही आप सभी के दुश्मन जल जल कर मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटों का समय आपके लिए भगवान श्री राम का दिया हुआ वरदान है। तो दोस्तों ऐसे में आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आप सभी के जीवनकाल में उतनी खुशियाँ नहीं मिली है जितना आप हकदार हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने आपने मेहनत किए हैं उतना दोस्तों आपको परिणाम अभी तक भी नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की चाल हमेशा बदलती है, ईश्वर का नज़र हमेशा हम सभी के जीवनकाल में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उन्हें अच्छा फल एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होते हैं। पर दोस्तों अब आप सभी के भी जीवनकाल में वह समय आ चुका है। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका स्वभाव सबसे अलग है। जहाँ दोस्तों आपके बगल वाले की आपके सहकर्मी के स्वभाव आपसे बहुत ही ज़्यादा भिन्न है। जी दोस्तों, वो लोग हमेशा खुद के ही लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी का स्वभाव इतना निश्चल है, आप सभी का स्वभाव इतना निर्मल है कि दोस्तों आपके सामने कोई भी अनजान भी व्यक्ति आ जाए और दोस्तों वो भी मुसीबत में हो तो दोस्तों आप हाथ बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शब का सोच आपके जैसा नहीं है और दोस्तों कई बार आप इन्हीं के कारण भी गड्ढे में भी गिर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके दयालु प्रवृत्ति आपको कई बार नुकसान भी देता है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये दयालु प्रवृत्ति आपके लिए आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कर्म है। जी दोस्तों, आप सभी का सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करना दोस्तों भगवान श्री राम जी की नज़रों में आपको सबसे ऊँचे रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से अपने जीवन काल में मेहनत करते आ रहे हैं, दिन रात आपने एक किए है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको वह खुशखबरी नहीं मिली है जितना आपने मेहनत किए हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में अब वो समय जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय आपने मेहनत बहुत की है लेकिन सफलता भी आपको कम मिली है, इसके उपरांत ही आपके अपने भी लोग आपको परेशान किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके अपने बनकर आपको लूटने का प्रयास करते रहते हैं। आप सभी के राशि के जातक का स्वभाव देखकर सभी लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं,
जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सरल स्वभाव के इंसान होते हैं, किसी के साथ ज़्यादा छल नहीं करते हैं, मुंह पर हमेशा साफ साफ बोल देते हैं, किसी के प्रति दिल में आपको पाप रखना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके ही सहकर्मी, आपके ही साथ रहने वाले आपके अपने लोग आपसे हमेशा ईर्ष्या के ही भावना से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, और दोस्तों जलन के ही भावना से आपको नुकसान पहुँचाने के कार्य भी करते हैं। लेकिन दोस्तों समय के साथ आपने अपना मेहनत को कम नहीं किए हैं। दोस्तों पिछले समय में आपको कितनी भी मुसीबत आए हो, कितनी भी बड़ी समस्याएं आए हो, लेकिन दोस्तों आपने जैसे तैसे करके अपने कार्यों पर लगे रहे हैं और दोस्तों अपने जीवन काल को जिए हैं। भले ही दुख मिला है, लेकिन दोस्तों कहीं पर आपने हार नहीं मानी है। दोस्तों परिस्थिति कैसा भी रहा हो, आपने हर जगह साहस के साथ आगे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अभी भी आपका वह समय नहीं आया है जिनके लिए दोस्तों आपने इतना मेहनत किए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर अब आपका वो समय आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, दोस्तों इनके अनुसार आप सभी को धन लाभ के साथ साथ जीवन काल में आपको वो सब कुछ मिलने वाली है जिनके लिए दोस्तों आपने पिछले समय मेहनत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस दौर में पेशे की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, और आपके भी जीवन काल में पेशों की समस्या पिछले कई समय से चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पेशा आता है तो दोस्तों वह पेशा कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब आप मेहनत करते और जब भी आप कुछ खुशखबरियों को पाते हैं, कुछ सफलताओं को अर्जित करते हैं, तो दोस्तों आपके अपने ही लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों के लिए आपने अपने जीवनकाल की रात और दिन तक नहीं देखे, जी हाँ दोस्तों, और वही लोग आपके जीवनकाल में हमेशा दुश्मन बनकर सामने आते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत दुख होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपके जीवनकाल में इस प्रकार की मुसीबत आई है कि आपको रोना तय आ गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपने अपने आंसू को किसी के सामने नहीं दिखाए हैं, और दोस्तों आप मन ही मन रोते हैं। आप अपने कष्टों को देखकर आप खुद ही खुद रोते हैं और किसी को भी ये चीज़ मालूम नहीं होने देते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपका यही रवैया, आपका यही संघर्षशील जीवन आपके लिए एक अच्छी कर्म बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके अच्छे कर्मों का ही फल है जो यश में ग्रहों की स्थिति इतना प्रबल आप सभी की कुंडली में बन रही है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपके दुश्मनों का सबसे पहले सर्वनाश होगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अभिषेक आपको अपने जीवनकाल में कुछ गलतियों को भी भूल कर भी नहीं करनी है, और कुछ बातों का ध्यान अपने जीवनकाल में अवश्य रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो दोस्तों पूरी वीडियो आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आने वाली 48 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनमें आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको व्यापार के ही क्षेत्र में मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, धन से जुड़ी बहुत ही समस्याएँ आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वह समस्या आपके जीवन काल से जड़ से ही खत्म होने वाले हैं। दोस्तों भले ही आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा इन बातों को सुनकर, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की यही स्थिति है, ग्रहों का यही चाल है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अब घटकर ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इन घटनाओं को होने से दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपने जीवनकाल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके जीवनकाल में आने वाले 48 घंटों के अंदर कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलती है, कोई महत्वपूर्ण कार्य आप सभी के बन जाते हैं, या फिर दोस्तों कोई बड़ा सा धन लाभ आप सभी को प्राप्त हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे में इन सभी की जानकारी आपको किसी भी गैर व्यक्ति को नहीं देना है, किसी भी सखी समितियों को भी नहीं देना है। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे अपने जीवनकाल में, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मुसीबतों का सामना
आपको फिर से करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों भूल कर भी आपको यह गलती अब नहीं करनी है। साक्षात दोस्तों भगवान श्री राम आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न हुए हैं। आप सभी के दुखों को भगवान श्री राम जी देख नहीं सकते। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपका कर्म और आपका ईर्ष्या भाव है, इसी श्रद्धा ईश्वर के प्रति है कि दोस्तों ईश्वर भी आपसे मिलने के लिए बहुत ही प्रेरित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 48 घंटों के अंदर आप स्वयं अपनी आंखों से ही ईश्वर भगवान श्री राम जी का शक्ति को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों का समय भगवान श्री राम का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाले हैं। दोस्तों यश में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होंगी। घर की जो भी आर्थिक तंगियां हैं, घर में जो भी पेशों की समस्याएं चल रही हो, या फिर किसी प्रकार का झगड़े चल रहे हो, किसी प्रकार की नोकझोंक चल रहे हो, दोस्तों वे सभी समाप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ही आप सभी के जीवनकाल से अब सभी प्रकार की समस्याएँ समाप्त होने वाली है। बशर्ते दोस्तों आप सभी को अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अवश्य आपको अपने जीवनकाल में जो भी कार्य करेंगे दोस्तों सोच समझकर ही कार्य करेंगे। दोस्तों ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि दोस्तों गलत कार्य हो, जो कि दोस्तों किसी के कहे हुए कार्य हो। जी दोस्तों, हमेशा खुद के ही कार्य को कीजिएगा। सभी के सलाह को मानना आपके लिए हमेशा नुकसानदायक ही रहा है। खासकर दोस्तों आप जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किए हैं और उनके सलाह को आप जब जब माने हैं, दोस्तों आपको नुकसान ही उठाना पड़ा है। दोस्तों सबसे बेहतर होगा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ही सलाह माने। इससे दोस्तों अपने आने वाले जीवनकाल में जो भी आपको समस्याएँ मिलेंगी उनसे आप मुक्ति भी पाएंगे और आसानी से उनका समाधान भी ढूंढ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगला जो सावधानी आपको अपने जीवनकाल में रखनी है वो यह रखनी है कि दोस्तों समय को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करना है। दोस्तों समय एक प्रकार से ईश्वर का दिया हुआ हमारे लिए कोई खजाना है। जी हाँ दोस्तों, और ये खजाने में हम जितना मेहनत करेंगे, जितना उनका सही से उपयोग करेंगे, दोस्तों वह समय हमारे लिए उतना ही कीमती साबित होगा। दोस्तों कई बार आप सभी के जीवन काल में इस प्रकार के उतार चढ़ाव आए हैं जहाँ पर आपको बड़ी सफलताएं भी मिली होंगी और कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, और वह यश में आप याद कर रहे होंगे कि वह समय हमारे लिए बहुत ही कीमती समय है। वह समय में हमने इतने पेशी को कमाए हैं, वह समय हमने अपने जीवनकाल में इतनी सफलताओं को कमाया है, इतने मान सम्मान को कमाए हैं। तो दोस्तों वह समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महंगे साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि समय महंगे साबित नहीं होते हैं। दोस्तों महंगे तो आप साबित होते हैं। जी दोस्तों, जितना आप अच्छे कार्य करते हैं, जितना आप हमेशा कार्यों में मन लगाकर कार्य करते हैं, उतना ही समय का साथ, ग्रहों का साथ और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहता है। और हमेशा ईश्वर आप सभी को हमेशा सभी कार्यों में भी सहयोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों अब आपको समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। हमेशा जो भी कार्य करें दोस्तों सोच समझ कर ही कार्य करें, यह आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कई ऐसी योजनाएं बनने वाली है जहां पर आपको कार्य करने में सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे कार्यों में आप बिल्कुल ही ना घबराएं। जी हाँ दोस्तों, जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें बस आपको ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ना है और दोस्तों हमेशा आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उन कार्यों को करने के लिए ईश्वर आपको शक्ति देगा, बस आपको ईश्वर का नाम लेना है और दोस्तों आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन काल में अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल की सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल से शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जी हाँ दोस्तों ये जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सफल अमल कीर्ति योग का निर्माण आप सभी की कुंडली में होना दोस्तों कोई आम बात नहीं है। दोस्तों ऐसे योगों का निर्माण बहुत ही कम लोगों के जीवनकाल में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने कर्म से बहुत ही ऊँचे होते हैं, जो लोग हमेशा ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास रखते हैं, जो लोग हमेशा
सही कार्य करते हैं। जो लोग हमेशा अपने जुनकाल में कड़ी मेहनत दिन रात एक करके परिश्रम करते हैं, दोस्तों उन्हीं के जुनकाल में ईश्वर उनके फल देने के लिए, उनके कर्मों का फल देने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण युगों का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शत्रुओं का विनाश आप सभी के जीवन काल में कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सफलता की बाढ़ आप सभी के जीवन काल में आने वाली है, और जो भी शत्रु आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसते थे, जो भी शत्रु आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा जलते थे, और दोस्तों यश में आपकी सफलताओं को देखकर वो जल जल कर ही मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके जीवन काल में इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है कि दोस्तों वे लोग अपने आप को बिल्कुल ही सदमे में पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो आपके ऊपर हंसते थे दोस्तों, उनका यश में बहुत ही बुरा हाल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है, उन लोगों को बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं बोलना है, ना ही उनका शब्द अपने मुंह पर लाना है। बस दोस्तों आपको अपने जुनकाल में कार्य करने हैं। जो भी सफलताएँ आपको ईश्वर दे रहा है, जो भी सफलताएँ भगवान श्री राम आप सभी को दे रहे हैं दोस्तों, उन्हें आपको बस लेना है और अपने जुनकाल में आगे बढ़ना है। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के जुनकाल में खुशियों की हरियाली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी को अपने जुनकाल में कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए, जिनसे दोस्तों आप सभी का जो भी समय है वो बिल्कुल ही शक्तिशाली समय बन जाएगा, और यश में जो भी आपके विपरीत ग्रह है वो भी आपको शुभ फल देंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए, जिनसे दोस्तों आपको अपने घर की सभी समस्याओं से मुक्ति मिले, और घर में जो भी बरकत है, घर में जो भी आपके कार्य हैं वे बिल्कुल ही संपन्न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहला उपाय आपको अपने जुनकाल में यह करना है कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल में ऐसा होता ही रहता है कि पेशा आपके जुनकाल में टिकता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के बहुत सारे जातक इस बात को लेकर परेशान हैं कि दोस्तों आप पेशा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप पेशा नहीं कमाते हैं। दोस्तों आपने अपने जुनकाल में बहुत सारा पेशा कमाए हैं, लेकिन दोस्तों आपका पेशा कमाया हुआ रुक नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, और दोस्तों वह पेशा आपके पास नहीं टिकता है, कोई न कोई विघ्न बाधाओ में वह पेशा खर्च हो ही जाता है। तो दोस्तों इनके लिए आपको कौन से उपाय अगले 48 घंटों के अंदर करना चाहिए, और जिनसे कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त हो और सभी पेशे आपके पास रहे। जी दोस्तों, धन आप सभी के घर में रुक जाए, तो दोस्तों ऐसे आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपके आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या फिर व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों आपको एक चमकीला लाल कपड़ा लेना है, उसे बिछाकर उस पर लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के फूल, रोली तथा 48 पेशे रखें। दोस्तों फिर उस कपड़े में सारे सामान को बांधकर पोटली नुमा बनाकर अपने घर में जो तिजोरी है या फिर गल्ले हैं उनमें रख लें। दोस्तों इसी आप सभी के जो भी कार्य अटके हैं वे सारे काम बनेंगे, और जो भी पेशे आपके घर में आते हैं जो किसी न किसी विघ्न बधाई में खर्च हो ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी चाहते हैं कि पेशा इनको हम रखेंगे, वो पेशा नहीं रुकता है। दोस्तों अब आपके जीवन काल में इस उपाय को करने से धन जरूर ही रुकेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इन्हें आपको करना ही करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में अब शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय को भी करना चाहिए। दोस्तों वे कहते हैं कि समय हर पल एक जैसे नहीं होते हैं, कई समय ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि दोस्तों सुबह का समय 3 से लेकर 5 बजे का समय दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और यह समय 24 घंटों में से ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समय होता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है, उनका मेहनत का फल दोगुनी तेजी से उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सुबह के समय पढ़ते हैं, और सुबह के समय ईश्वर की देवी शक्तियाँ उनके साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ईश्वर का समय होता है, और यश में सभी प्रकार के कार्य दुगने लाभ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आने वाले 48 घंटों का जो समय होगा
आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है, खासकर दोस्तों आपके शत्रुओं के लिए। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का शीर्षक यही है कि शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है। जी दोस्तों, जो भी शत्रु है, जो भी दुश्मन है, यश में उनके जन्मकाल में खून की नदियां बहने वाली है, वो लोग बहुत ही रोने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण उपाय भी करना होगा ताकि समय आपके लिए और भी शक्तिशाली हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी में आपको कौन से कार्य को करना है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जो भी शत्रु होते हैं वे आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा सोचें, चाहे आप उनके बारे में कुछ भी ना सोचें, लेकिन दोस्तों वे आपके बारे में हमेशा सोचते ही रहते हैं। और दोस्तों कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। जब भी सोचते हैं तो आपकी खुशखबरियों के बारे में देखते हैं, आपके सफलताओं के बारे में देखते हैं, आपके घर परिवार की ओर देखते हैं और नज़र लगाने के कार्य हमेशा वो करते रहते हैं। कई प्रकार के टोने टटके आप शिविर के जनकाल में भी करते हैं। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए अगले 48 घंटों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में दोस्तों आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने हैं? जी हाँ दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आप शिविर को बता दें कि जो भी शत्रु आप शिविर के जीवन काल में हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, उन सभी के घर के आगे से दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी आपको ले आकर हनुमान जी के मंदिर के सामने रख देना है। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा सा आपको उनमें क्या करना है कि दोस्तों महाबली हनुमान जी का जो सिंदूर है उन्हें लगाकर उन्हें बिल्कुल ही एक लाल कपड़े में लपेट लें। और दोस्तों आपको उन्हें उठाकर सबसे पहले आपको अपने घर की जो दक्षिण दिशा है दोस्तों वहाँ पर जाकर गाड़ देना है। दोस्तों ऐसा करने से जो भी शत्रु का नाश है वो दोस्तों निश्चित होगा और दोस्तों उनका समय बिल्कुल ही दक्षिण दिशा की ओर जाएंगी। उनका समय, उनका करियर, उनका आने वाला भविष्य बिल्कुल ही आप सभी की जुनकाल से नष्ट हो जाएंगे। वे आपके बारे में कभी भी भूल कर भी नहीं सोचेंगे। जी दोस्तों, और यश ये उपाय आपको मात्र अगले 48 घंटों के ही अंदर करना है, क्योंकि समय की जो स्थिति है उनके अनुसार ये उपाय है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि अगले 48 घंटों के अंदर अगर आप ये उपाय करते हैं तो समय की स्थिति जैसी है उनके साथ ग्रहों का भी साथ मिलेगा और आपके जीवन काल में सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने जीवन काल में कुछ और भी महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए जिनसे दोस्तों आने वाले 48 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वो दोस्तों और भी शक्तिशाली हो जाए और भी आपको फल दे। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की भी स्थिति के लिए व्यक्ति बहुत सारे उपाय करते हैं ताकि उनके जुनकाल में ग्रहों का स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाए। इसीलिए दोस्तों आपको ग्रहों की स्थिति के लिए अगले 48 घंटों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने जुनकाल में दोस्तों आपको अगले 48 घंटों के अंदर किसी भी माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर कमल के फूल, नारियल अर्पित करना है तथा सफेद मिठाई का भी आपको भोग लगाना है। दोस्तों ऐसा अगर आप कर देंगे तो धन की जो भी समस्या आपके जुनकाल में चल रही है दोस्तों उनसे आपको छुटकारा मिलने में दुगनी तेजी से छुटकारा मिलेगी। जी दोस्तों, बिल्कुल भी छुटकारा मिलने में विलम्ब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक और भी महत्वपूर्ण उपाय है जो कि शत्रुओं के विनाश के लिए है, वो यह है कि कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर दोस्तों अपने पैरों से मिटा दें और वश में आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर देना है या फिर राम नाम का जाप आपको 108 बार करना है। दोस्तों ऐसा कर देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप शिविर का शत्रु बिल्कुल ही आप शिविर के जीवनकाल से मिट जाएंगे, उनका नामो निशान भी आप शिविर के जीवनकाल में नहीं रह पाएगा। दोस्तों हम आपको यह उपाय इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों अगले 48 घंटों का समय खासकर आपके लाभ के भी समय है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके दुश्मनों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके दुश्मन हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिनसे आप मौके से छूट जाए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमने आपको ये उपाय बताए हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक और भी महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं कि दोस्तों आपके घर में जो भी कार्य हैं दोस्तों उन्हें आप सही ढंग से रखें। जैसे कि दोस्तों अगर आप घर में कोई भी बच्चे को रुला रहे हैं तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे को बिल्कुल ही शांत रखना है। जी दोस्तों, घर में प्रेम भरा माहौल अगले 48 घंटों में रखना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ग्रहों की स्थिति जहाँ साथ है, जहाँ अमल कीर्ति योग का निर्माण आप सभी के जुनकाल में है, तो दोस्तों साक्षात भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ है।
तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 से 5 बजे के बीच उठकर आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है और भगवान श्री राम को अपने दुख की सारी जो पीड़ाएं हैं उन सभी को आपको सुनाना है। दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपको भगवान श्री राम स्वयं आप शिव के साथ रहेंगे और भगवान श्री राम की दिव्य शक्तियाँ आपकी साथ रहेंगी और दोस्तों इनसे आप शिव के जीवनकाल में हमेशा सकारात्मक ही कार्य होंगे, कोई भी दुश्मन कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो उपाय हैं ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगले 48 घंटों में अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों आपके लिए सोने पर सुहागा वाला स्थित होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इसको आपको अपने जीवनकाल में एक और भी महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि घर में बिल्कुल ही शोर शराबे का माहौल नहीं बनाना है और ना ही दोस्तों किसी ऐसे जीव जंतु को आपको ठेस पहुंचाना है, किसी को भी अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है। साथ साथ दोस्तों एक और भी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में होगा, पेशों की तंगी आप सभी के जीवनकाल से दूर होंगी और दोस्तों इनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ये तो सुन जो कि बहुत ही सरल है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवनकाल में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, वे दोस्तों पूजा के लिए भी कुछ सामग्री खरीद नहीं पाते हैं। तो दोस्तों उन सभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, बस उनको अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जो कि माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप यह बात जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म से ही यह बात प्रचलित है कि सभी स्त्रियों में माता लक्ष्मी का वास है। जी हाँ दोस्तों, और जो भी जातक सभी स्त्रियों का सम्मान करेगा उनके जीवनकाल में माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अब क्या करना है कि आने वाले समय में कभी भी कोई स्त्री को परेशान नहीं करना है, ना ही उनको दुख देना है, ना ही उनको अपशब्द बोलना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह स्त्री आपके घर की हो या फिर बाहर की हो, जी हाँ दोस्तों बस आपको उन सभी का आदर करना है, सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनका सम्मान आदर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों उनसे आपको बिल्कुल अनादर तरीके से पेश नहीं आने हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे स्वभाव आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ये दोस्तों माता लक्ष्मी के सबसे बड़े प्रसन्न करने के उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनसे भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और कर्म के देवता भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। कि दोस्तों अगर आप सभी के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, सभी के प्रति अच्छा सोचेंगे तो दोस्तों ऊपर भगवान श्री राम जी, भगवान शनि शनिदेव जी आपके लिए बैठे हैं आपकी खुशियों को देखने के लिए। जी दोस्तों, बस आपको अच्छे कर्म करते जाना है और जीवन काल में सब कुछ भगवान शनिदेव पर छोड़ देना है, सब कुछ भगवान श्री राम जी पर छोड़ देना है। दोस्तों आपके जीवनकाल में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस बात का दावा है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान आप आने वाले 48 घंटों के अंदर रखिएगा, समय बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।